कोई नेट से कम कर दी। हाँ जी नेट जिन दिया फिर जा रही मेरे को क्या अस्सलाम वालेकुम जी आया नू वेलकम कर दिया थोड़ा एक नए व्लॉग ना थोड़े अपने ही चैनल शमाइला व्लॉग्स से। वैसे तो पंजाबी मुझे आती नहीं है और ऐसी मैंने कभी बोली भी नहीं है, लेकिन मैं खुद भी बहुत सारे विलेजेस व्लॉग्स देखती हूँ तो ये सब उसी का नतीजा है। और वैसे भी आज की वीडियो कुछ ऐसी है और कुछ ऐसा माहौल है उसमें, तो मैंने कहा क्यों ना जैसी वीडियो वैसी ही ज़ुबान अपनाई जाए। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों में से जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें जी। तो मैं आई हुई हूँ अपनी खाला दे पिंड। क्या जानता है कि खाला भी मावां ही होंदियाँ हैं, तो खाला दियाँ बेटियाँ यानी अपनियाँ भैनां ही हुई। अज मैं आई हाँ अपनी कज़न भैन दे ससुराल, यानी ओ भी ओदा अपना ही कार। ते जी मैं अज दस के नहीं आई, मैं क्या जानते हैं तो जाके मार दे छापा ते अपनी भैन देने सरप्राइज। तुसी देख सकते हो गांव च मौजूद सादा जे लोगों का सादा जहा कार जिला देखने बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। तो नाल तुसी देख सकते हो माशाल्लाह गांव च बहुत वड्डे वड्डे कार होंगे ने, तो तुसी सफाई भी यदि देख सकते हो जिली मेरे ख्याल ना सारे नु करदे हुए पूरा दिन लग जाता होना। तो जी कार बड़ा पसंद आया है मैनू, तो मैं क्यों ना एक व्लॉग भी बनाया जाए तो अपने व्यूअर्स ना भी शेयर किया जाए। हाँ मनिया के पिंड वालों के कार सादे होंगे ने, लेकिन उन्होंने कमरे वो शहर वालों तो घट नहीं। चलो जी तुहानू पिंड वालों की चॉइस दिखाई जाए तो भैन का थोड़ा जहेज दिखाया जाए। वह जहेज जिला साढ़े मुआशरे च रवाज है, हर बेटी अपने माँ प्यो घरों लैके आती है जी। तो पिछे लटकते खूबसूरत पर्दे थे और नाल ही एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग और नाल आया जी शोकेस। से शोकेस रखे ने जबरदस्त किस्म के बर्तन ग्लास सारे जिले डेकोरेट करके रखे ने अपने वालों उन्होंने, तो सब कुछ बहुत प्यारा दिख रहा है। माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी दी है, तो यह देखो जी ए उन्होंने अपने दूध पिलाई का ग्लास भी संभाल के रखा है, लगता है बहुत ही पसंद आ गया उन्होंने। और दे नाल होर भी बहुत सारे डेकोरेशन पीस भी ने, यह डेकोरेशन पीस बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ये जो डेकोरेशन पीस पिया है वह मैं भैन नूं दिता सी शादी ते गिफ्ट, ते वह भी तुहानूं दिखाण दी कोशिश कर दी हाँ। बहुत ही खूबसूरत कप ने, ते मेरे ख्याल है गोल्डन कलर सिल्वर गोल्डन दो मिक्स कलर ने, ते बहुत ही प्यारे ने, मेरे को निकलिया नहीं ते मैं तुहानूं किद्दां दिखानी। ते इस अलावा ये नाल ही अलमारी पे हुई है, ज़्यादातर तो लोग दो पलिया वाली लेंदे ने, लेकिन इन्ने भैन ने चार पलिया वाली बनवाई है। तो इनू तुसीं कह सकते हो चार हिस्सों वाली अलमारी, लगता खाला जान ने क्या अपनी बेटी नू कि सब कुछ इहदे विच ही रख लें। तो जी कमरा मैं तुहानूं दिखाया, यह फर्नीचर भी तुसीं देख लिया कितना जबरदस्त है। माँ प्यो जो भी दे बहुत ही जबरदस्त होंदा है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हाँ, तो हूँ कुछ बह बो लीए जदों मैं आई हाँ बैठी नहीं हाँ सुकून ना अपना व्लॉग बना रही सी। तो सारे बाहर ने और तो इलावा उन्होंने साढ़े लिए पॉपकॉर्नस बनाए ने, तुसी देख सकते हो गाँव च बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने अग का कोई सीन नहीं है। तो उन्होंने फिर भी इन्ने जबरदस्त किस्म के बनाए, बड़ी गल है गाँव वालों की भी। तो हूँ असं खाऊंगे, तो इलावा भी उन्होंने बहुत सारा इंतजाम किया, लेकिन मैं उन्होंने कहा है ठहर जाओ मैं ज़रा मैनू भुख शुक नहीं। तो मैं उन्होंने सबर करने लिए क्या है, उस तो बाद मैं खाऊंगी पीऊंगी भी पेट पूजा भी करूंगी क्योंकि हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हाँ। और बेड की खूबसूरती भी तुम देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है फर्नीचर का, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है मैनू आप ही का रूम। हाँ जी मेरे नाल जाने हैं थोड़े फोटो डाले हैं।
जी ते आंटी गुण रही है ढोडिया आटा। तो यह तुम देख सकते हो उन्हों का किचन, छोटी जी दीवार उन्होंने चुकी हुई है। तो गाँव दादा ही लोगों का सादा या कार ते सादा या किचन इदा का ही होंगे है। और गैस बिल्कुल भी नहीं होंगे बेचारे चलाते ने लकड़ियाँ वगैरह। एलो जी बन गया है आटा। नेट जिन दिया फिर जा रही मेरे को क्या नहीं बोलिए। हाँ जी व्हाट बैड नहीं मनु पीड़ित नहीं लगते किन्हें हो खाना किसे ने मैं खाना मेरे जी बढ़िया मामा मैं लाभ 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 तो मिल चल लाभ आ चुका। तुम इसीलिए मुझे लेने आए हो ना। अंकल आंटी भी बड़े चंगे ने, बड़े हसमुख के गल्लां बातें कर रहे ने। ते जी इन्होंने बनाया सी साग, ते मैं होवां ते साग ना खावां है किदा हो सकता है। जिदा ही मैनू पता चलिया इन्होंने बनाया है साग, वह भी इन्ना तिखा साग बनाया ते मेरे को रिहा नहीं गया। ते मैं क्या मैं ते जरूर रोटी भी खा के जाऊँगी। ते उन्होंने मैनू कहा कि चलो तुहानू ढोडा खाएंगी ते वह भी बना दें। मैं क्या नेकी ते पुछते है मेरी फरमाइश ते स्पैशल बन रहे ने ढोडे। तो यह इन्नी मुश्किल होंगे ने बनाने, पहले एक पेड़े का आटा गुनो फिर टोडा बनाओ फिर गुनो फिर बनाओ। तो बस बड़ा ही मज़ेदार दा अज का खाना सी। तो खाने तो बाद चाय जरूर पीती जाती है गाँव में। तो यह हूँ मेरे लिए बनाई जा रही है चाय। तो चाय के नाल नाल तुसी देख सकते हो कि आंटी ने अज बहुत ज़्यादा मेरी मेहमान नवाजी की है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो मैं इन्होंने नहीं कहा सी बिल्कुल भी कि मैंने बिस्किट भी खवाओ, लेकिन इन्होंने तकल्लुफ किया, एक भी नहीं पूरा का पूरा डब्बा मेरे लिए ले आए। तो जी आज बहुत मज़ा आया, आज इन्होंने सारा दिन ही किचन च मेरे लिए गुजारी, कभी कुछ बना रहे कभी कुछ बना रहे। जी तो आज का विलेज व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों को मैंने एक सादा सा घर दिखाया, उन लोगों के सादगी से गुजारी जाने वाली ज़िंदगी दिखाई, सादा सा माहौल दिखाया और ऊपर से देसी खाना दिखाया जो कि हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं, साग वगैरह बहुत सारे लोग पसंद करते हैं खाना। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा कॉमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा। सब्सक्राइब करने से ऐसा होगा कि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकेंगे, वीडियो को लाइक कर सकेंगे और कमेंट भी कर सकेंगे। जी तो इंशाल्लाह मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।